एसएमसी का ईपी रेगुलेटर रिपेयर करना है। आज फिर से दोबारा मेरे पास आया है। अब इसको खोल के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रिपेयर करते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम निकलती है जो हमको ठीक करना होता है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है 2050, ITV 2050। ये बैक साइड से इन्होंने डेड किया है। बता रहे थे कि ऑक्सीजन पर चलाते हैं तो इसको इसमें से लीकेज होती है, लगातार कंटिन्यू ऑक्सीजन की लीकेज होती है। अब इसको हम खोलेंगे दोबारा, नीचे से इसके बोल्ट खोल देने हैं और ऊपर से भी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे क्या क्या हम इसमें रिपेयर कर, क्या क्या इसमें कमी निकलेगी। जो जो प्रोसेस होगा वो सब फॉलो करेंगे। ये डिजिटल है, इसका सप्लाई कनेक्शन है, 3 बटन है, इसमें कोइल भी होते हैं। एक इधर की साइड है कोइल, 24 वोल्ट DC, एक इधर की साइड है, 2 कोइल होती हैं। ये नीचे का पार्ट है, ये एयर कनेक्शन नीचे की तरफ होता है। ये देख रहे हैं आप, ये इसका डायफ्राम है। अब ये चेंज करना है, अब देखते हैं इसको रिपेयर करेंगे। इसके नोजल भी खोल के निकालेंगे बाहर, ये नीचे से खुलेगा, यहाँ से ये खुलेगा, इससे की सहायता से। ओहो, इस पर तो डेंट लग रहा है, इसको सावधानी से खोलना। जैसा कि आपने देखा हम किस तरह से ईपी रेगुलेटर एसएमसी का रिपेयर करते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है, सील किट की प्रॉब्लम होती है या एयर लीकेज की, तो हम उसको रिपेयर करते हैं। ये जो रेगुलेटर है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लेज़र मशीन में होता है या वुड कटिंग मशीन में होता है, जो कि ऑटोमेटिक ग्राफिक द्वारा कंप्यूटर में डिज़ाइन बना करके कटिंग करते हैं, उस मशीन में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। और जहाँ पे प्रेशर सेट करना होता है वहाँ भी इसको लगाया जाता है। यदि आपके प्लांट में भी इस तरह का कोई रेगुलेटर है, आपको नया चाहिए या रिपेयर कराना है, आपके पास रखे हुए हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करवाने के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। आप भारत में किसी भी स्थान से हों, किसी भी राज्य से हों, हमारे पास अपना रेगुलेटर भेजिए, हम आपको रिपेयर करके रिटर्न कर देंगे। इसकी कीमत भी काफ़ी कॉस्टली होती है, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, अलग अलग सीरीज के अलग अलग रेट होते हैं। हम इसको 4,000-3500 रुपये में कर देते हैं, कंडीशन के हिसाब से देखकर। तो कॉल करिए। तो ये रेगुलेटर है जो कि लेज़र मशीन में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर आपको भी रिपेयर कराना है तो हमसे संपर्क करें, हमारे पास भेजिए, हम आपको रिपेयर करके देंगे। थैंक यू।